देखिए मानसून के मौसम में बारिश के कारण यूं तो देश भर में हादसे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लौटते मानसून की बारिश ने भी 5 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से, जहां कल्याण में भी बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई है। रायगढ़ के वाटरफॉल में डूबने से 1 महिला की मौत हुई है और 1 महिला की मौत मुंबई के मैनहोल में गिरने से हो गई है। यानी जाते जाते मानसून भी लोगों पर कहर ढाकर जा रहा है और बाकी लोगों की जो मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। लेकिन देखिए मुंबई में 1 महिला की मौत की बड़ी वजह बीएमसी की लापरवाही मानी जा रही है। और बीएमसी आपको याद होगा भारत में नहीं एशिया में नंबर आता है धनाढ्य अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, फिर भी हर बार हर साल हमें वही कहानी देखने को मिलती है। कोई ना कोई आरोप हमेशा लगता है जो आपकी तैयारी होती है। तो मुंबई में हादसा अंधेरी में इलाके में हुआ है, जहां एक खुले मैनहोल में गिर गई है महिला। महिला की गिरने की खबर मिलते ही उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन तब एक महिला बहकर आगे निकल चुकी थी और जिस जगह मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़ दिया वहां से करीब 100 मीटर दूर महिला को सड़क की दूसरी तरफ मैनहोल से निकाला जा सका, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। जब तक महिला को रेस्क्यू किया जाता उनकी जान जा चुकी थी। बीएमसी ने बताया कि 45 साल की महिला विमल गायकवाड़ की दुखद हादसे में मौत हो गई। हादसा अंधेरी के MIDC इलाके में हुआ, जहां खुले नाले में महिला गिर गई थी। महिला को दमकल विभाग के लोगों ने निकाला, लेकिन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। हम इस वक्त MIDC जो अंधेरी ईस्ट में है मुंबई के, वहां पर खड़े हैं सड़क के किनारे इस एम्बलम के नीचे। बीएमसी का ये एम्बलम है और इसी के ठीक नीचे यही वो ड्रेन है जहां पर कि कल रात को एक महिला का शरीर यहां से निकाला गया। दरअसल हुआ ये था कि तकरीबन 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो महिला यहां से गुजर रही थी, उनको इस सड़क के इस साइड आना था। तेज बरसात के बीच में दरअसल हुआ ये कि पानी यहाँ काफी ज्यादा भर गया था, डिवाइडर बहुत ऊंचा होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो 2 डिवाइडर जहाँ आप देख रहे हैं उसके बीच में उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक ओपन ड्रेन था, यानी कि जो मैन होल था उस पर कोई ढक्कन नहीं है। और लोगों ने का यही कहना है कि काफी समय से वो ओपन है, खुला हुआ मैन होल है और वहां से क्रॉस करते समय वो महिला उसमें गिर गई। लोगों ने वहां पर देखा तो बहुत शोर मचाया यहां पे, और उसके बाद ये जो बीएमसी का ऑफिस यहां पर है पानी का, वहां से लोग आए, उन्होंने मदद की। यहां इस ड्रेन के अंदर, इसके अंदर सीढ़ियां डाली गई ताकि तुरंत यहां पर जो महिला का जो बॉडी है वो यहां से फिर पुल आउट किया गया, निकाला गया और तब जाके उस उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सबसे खास और यही है कि देखिए ये बीएमसी का ये एम्बलम है, इस पे लिखा है ये तो धर्म सतो तो जय है, यानी कि अगर जहां धर्म है वहां विजय है। और अगर लोग यही कह रहे हैं काश बीएमसी अपना धर्म निभा रही होती तो ओपन मैन होल्स नहीं होते, जिसमें जिस तरह से यह हादसा हुआ वो नहीं होता। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, हर साल वैसी ही कहानी, और भारत में ही नहीं एशिया में नंबर आता है धनाढ्य अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ले बीएमसी की तो, लेकिन लापरवाही सामने आती है। इस मामले में क्या एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं वो बात सही है कि कल रात को भारी बरसात मुंबई में हुई है, और मुंबई में जब भी भारी बरसात होती है तो एक डर अब मुंबईकरों को सताता है कि पता नहीं कल की सुर्खियों में किसकी जान जाने की खबर आएगी। और आज भी वैसा ही हुआ है, कल का जो हादसा है उसमें महिला की जान गई है। बीएमसी आप कह सकते हैं कि काफी एक तरह से एक्सपर्ट मानी जाती है कि किस तरह से जो ब्लेम है वो शिफ्ट किया जाए एजेंसी पर या लोगों पर। कहीं ना कहीं बीएमसी ये भी कह सकती है कि किसी ने वो जो मैनहोल है वो पानी जाने के लिए ओपन कर दिया, उनको उस बारे में जानकारी ना हो। तो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुंबई में खासकर, और हर साल की तरह इस साल भी आप कह सकते हैं कि भारी बारिश ने कई मुंबईकरों की जान ली है, चाहे फिर वो लोग रस्ते पर चल रहे हो, बाइक पर ऑफिस जा रहे हो तो उनके ऊपर। आप चूंकि समुद्र के किनारे मौजूद हैं, हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहिए मुस्तफा और जानकारी भी पहुंचाते रहिए। जी बिल्कुल आशुतोष, आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त बैंड्रा के बैंड स्टैंड पर हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल जो बारिश हुई है उसके बाद से आप कह सकते हैं स्थिति अभी थोड़ी नियंत्रण में आई है। फिलहाल हाई टाइड यहाँ पर देखने के लिए मुंबई में नहीं मिल रही है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो और खतरे की घंटी है या संकेत है वो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो बारिश को लेकर के दिया गया है मुंबई के बैंड्रा बैंड स्टैंड की
ताकत तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, और इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो भारी बारिश हुई है, उस भारी बारिश ठीक, के चलते कहीं ना कहीं कई लोगों को इनकन्वीनियंस जो है वो चलिए हुआ है, मुस्तफा और नजर एक बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए और तस्वीरों को पहुंचाने के लिए।